मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस के दावे उस वक्त धरे के धरे रह जाते हैं जब विभाग के आला अधिकारी जनता को मिलने वाली योजनाओं के लाभ को खुद ही हड़पने लगे। मामला भागलपुर प्रखंड का है, जहां नल जल योजना, मनरेगा और शौचालय योजना में दलाल और अधिकारियों की साठगांठ से लूट का खेल चल रहा है। योजनाओं में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 40% की राशि अधिकारियों और बिचौलियों के जेब में जा रहा है। भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख खुद अधिकारियों के पोल खोलने के लिए धरने पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि साठगांठ के चलते बिना रिश्वत किसी भी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा। वीडियो साहब भ्रष्ट व्यवस्था का चरम सीमा छू लिए है। हमारे प्रखंड में तमाम दलालों और बिचौलियों के भरमार लगा हुआ है। अभी हमारे यहाँ जल नल सात निश्चय का योजना चल रहा है, उसमें 40% कहता है हम लोग खाएंगे। सरकार का ऑर्डर है कि 65% में काम होगा, 40% हम लोग के लिए है, और उसके बाद काम चाहे गलत हो या सही हो तुम लोग जनप्रतिनिधि जानो। यहाँ वार्ड कमिश्नर का भी फांसी लगा हुआ है, वो मजबूर है क्योंकि वो सभी वार्ड समिति से, ग्रीवेंस समिति से पहले पैसा का मांग करता है, उसके बाद चेक काटने का बात करता है। हमारे मनरेगा में विगत पैमाने पे लूट है। अभी जो मनरेगा काम हो रहा है, वृक्षारोपण का जैसे काम हो रहा है, वहाँ पर जो है 22,000 रुपया का एक यूनिट का आता है उसका पौधा, उसमें ना फट्टी लगाया गया है, 80,000 रुपया उसमें भी लूट है। सभी जगह वहाँ पे जो है जब पौधा लगाया जाता है तो हर यूनिट पर बोर्ड लगाया जाता है कितना राशि का ये योजना है, वो कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, और बोर्ड 4600 रुपया बोर्ड का जो पड़ता है वो भी पैसा का घपलाबाजी किया गया है। वही मामले में DMSDO को इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना ये होगा जिन योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए उनमें सेंध लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।